सिरोही के माउंट आबू में युवक पर पेट्रोल छिड़ककर जिंदा जलाने के मामले को लेकर अब बड़ी संख्या में लोगों ने एकत्रित होकर घटना की निंदा की है। पुलिस ने जरूरी सबूत जुटा है, पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। आपको यह भी बता दें कि रात करीब 1 बजे चाचा म्यूजियम चौराहे पर कुछ युवकों ने एक्टिवा से पेट्रोल निकलवाकर एक युवक पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी थी। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने झुलसे युवक को ग्लोबल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर्स ने झुलसे युवक को गुजरात रेफर कर दिया था। घटना के बाद आक्रोशित लोगों का कहना है कि पर्यटन नगरी माउंट आबू हमेशा से ही शांत रहा है, लेकिन बीते कुछ दिनों से अपराध जगत से जुड़ी हुई वारदातें लगातार बढ़ रही है। पुलिस प्रशासन को रात में फालतू घूमने वाले लोगों की पहचान कर अपराध पर लगाम लगाने की मांग भी की गई है। मैं चाय पीने गया था, वहाँ पे लड़का आया दीपक आदिवाल करके, उसने मेरे पे पेट्रोल छिड़का और मुझे जलाने के जान से मारने की धमकी दी और पेट्रोल उससे जला के भाग गया। वहाँ से जाना था, घर जाने के लिए निकल रहा था, उसने बीच में आया और एक्टिवा रखी और पेट्रोल से जलाया, भाग गया वो। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए माउंट आबू से मेरे सहयोगी कमलेश जुड़ गए हैं। कमलेश, और क्या कुछ अपडेट पूरे मामले पर आपके पास? देखिए आयुषी, जो स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं अपन लोग, वो विचलित करने वाले जरूर है कि माउंट आबू में ऐसी बड़ी घटना होना कहीं ना कहीं सवाल जरूर खड़े करती है। और पूरे मामले की बात की जाए तो जो पीड़ित है, पीड़ित का उपचार गुजरात के एक निजी अस्पताल में चल रहा है, जहां बताया जा रहा है कि 15 से 20% जो युवक है वो जला है, और उसके बयान दर्ज करने के लिए माउंट आबू पुलिस जो है आयो है वो वहां पर पहुंचे हैं, और पीड़ित का यहां पर बयान भी दर्ज किया गया। तो जो पीड़ित के मुताबिक बात करें, तो पीड़ित के जो बयान है उसके मुताबिक बात की जाए तो रात्रि के समय वह चाय पीने के लिए वहां आया था कि अचानक वो एक व्यक्ति आता है, एक्टिवा में से पेट्रोल निकालता है, पेट्रोल डाल करके टीले दिखा देता है। तो युवक ने कहीं ना कहीं बचने का प्रयास किया है। गनीमत यह है कि उस वक्त वहां कुछ लोग मौजूद थे जिन्होंने पानी डालकर आग को बुझाया। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि माउंट आबू के लिए बड़ी वारदात है। ऐसे में रात्रि गश्त पर कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठते हैं, क्योंकि पर्यटन नगरी है, ऐसे जो हादसे हैं या कहीं ऐसी जो वारदातें हैं वो कहीं ना कहीं पर्यटन के लिहाज से कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि एक अलग मैसेज यहाँ पर जाता है जिसकी वजह से पर्यटन यहाँ पर प्रभावित होता है। तो ऐसे में पुलिस को कहीं ना कहीं रात्रि के समय जो गश्त है और जो आवारा लोग जो रात के समय घरों से बाहर निकलते हैं उन पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने के प्रयास करने होंगे। जी आयुष, बिल्कुल कमलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपके तमाम जानकारी के लिए।